हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज हम बात करेंगे Asus A15 टफ लैपटॉप का रिव्यू करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग अपलोड की थी और वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बहुत लोग बोल रहे थे इसका रिव्यू किधर है, रिव्यू किधर है। तो इस लैपटॉप को मैं ऑलमोस्ट 20 डे प्लस से यूज कर रहा हूं और यहां पर क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वगैरह, जितना भी सब रिव्यू है एक साथ आप लोगों के सामने रखूंगा। और मैंने टाइटल में मेंशन भी किया है कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज। हालांकि इसका प्राइस 61,000 आता है, पर कभी कभी ऑफर वगैरह में 1,000 रुपए कम भी देखने मिल जाता है। सो राइजन के जो न्यू जनरेशन के प्रोसेसर आए हैं वो इनके अंदर लगकर आते हैं। तो 4000 सीरीज का 4600H का यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने मिलता है जो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। और इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड यूज किया गया है वो है NVIDIA GTX 1650 Ti हमें देखने मिलता है। 4GB DDR6 के साथ यहाँ पर उसका सपोर्ट देखने मिलता है और साथ में इस लैपटॉप के अंदर 8GB की रैम देखने मिल जाती है। सो जो सी ड्राइव हमें देखने मिलता है 256GB की NVMe स्टोरेज देखने मिल जाती है और उसी के बाद में जो 1TB की आपको हार्ड ड्राइव अंदर देखने मिलेगी और उसी के बाद में 144Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने मिलता है। सो ये सारे स्पेक्स इस लैपटॉप के अंदर आपको देखने मिल जाते हैं। सो इस लैपटॉप के आपको अलग अलग वेरिएंट्स भी मिलते हैं जिसके अंदर अलग प्रोसेसर है। फॉर एग्जांपल 4800H वाला प्रोसेसर भी आपको देखने मिलेगा और अदर जो ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर भी अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर जो 61,000 रुपीज वाला वेरिएंट है वो हमारे पास में और स्पेक्स मैं आपको सभी बता चुका हूँ क्या क्या सब इसके अंदर है। प्लास्टिक बॉडी देखने मिलती है इसके अंदर और इसका एक और वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपको मेटालिक बॉडी देखने मिल जाती है। इस लैपटॉप के अंदर जो स्टेडीनेस है, जो बिल्ड क्वालिटी देखने मिली मुझे, यहाँ पर पीछे की तरफ प्लास्टिक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, बट आप लैपटॉप को ऐसा क्यों करोगे? पहली बात तो कूल करने के लिए जो एयर वेंट्स आपको देखने मिलते हैं, एक तो फ्रंट की तरफ टॉप की तरफ देखने मिलता है, साइड में कुछ भी नहीं आता है और पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है। सो वन फिंगर से आप इस लैपटॉप को ओपन भी कर सकते हो और यहाँ पर लैपटॉप का अगर बूट टाइम को लेकर बात करें तो हार्डली 20 सेकंड के अंदर आपका लैपटॉप फुल एकदम तैयार हो जाता है काम वाम करने के लिए। तो बूटिंग के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, एकदम सही देखने मिला। तो यहां पर जो कीबोर्ड हमें देखने मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको मैं टाइप करके दिखाता हूं और थोड़ा सा साउंड का आइडिया लगा पाओगे कि किस तरीके का फीडबैक आपको देखने मिलता है इनके कीबोर्ड से। सो यहाँ पर लैपटॉप के अंदर आपको जो कीबोर्ड आता है उसके अंदर जो RGB वगैरह है वो सब आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो आर्मरी क्रेट के अंदर जाके। तो उन सब चीजों का यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा, बस एक कमी नजर आई जो यहाँ पर ये जो एरो कीज है ना भाई, वो इतनी ज्यादा छोटी है ना, कभी कभी उनको यूज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर आपको 144Hz का डिस्प्ले देखने मिल जाता है, IPS पैनल देखने मिलता है, फुल HD के साथ यहाँ पर आता है। तो इसके अंदर आपको आर्मरी ग्रेड के अंदर अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, विविड हो गया, ब्राइट हो गया, सिनेमा हो गया, ऐसे कुछ मोड्स आते हैं जिसके अंदर आप डिस्प्ले को चेंजेस कर सकते हो अपने मॉडिफाई के हिसाब से। लाइक गेम कर रहे हो उस टाइप से अलग कर सकते हो, वीडियो कॉन्टेंट देख रहे हो तो उस टाइम अलग कर सकते हो, रीडिंग वगैरह कर रहे हो, सर्फिंग कर रहे हैं, तो वो सब अपने हिसाब से आप रख पाओगे। तो मेरा जो इतने दिनों का इंप्रेशन अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर इस लैपटॉप के अंदर जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम लगी मुझे और उसके बाद में जो डिस्प्ले के अंदर जो पंचीनेस है, जो कलर होता है ना, वो भी थोड़ा सा डल लगा मुझे। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था यूट्यूब कंटेंट की, अगर जब मैं वहां पर किसी ह्यूमन फेस को देखता हूं या फिर कोई ट्रेलर देखता हूं, तो जो ह्यूमन फेस है ना वो स्मज लगने लगते हैं, मतलब जो कलर है वो पूरा ब्लेंड हो रखा है। तो वो थोड़ा सा एरर लगा मुझे इसके अंदर जब मैं ट्राई कर रहा था। पर ऐसा नहीं कि इस लैपटॉप की डिस्प्ले और जो कलर्स वो इतनी ज्यादा ही खराब है भाई, यहाँ पर 144Hz का पैनल देखने मिलता है। अगर यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी सैचुरेशन वैल्यू थोड़ी सी अच्छी देखने मिलती, जो ब्राइटनेस और जो नीड्स की बात है वो थोड़ी सी ज्यादा आती ना, तो जो डिस्प्ले वो काफी ज्यादा बेटर निकल कर आता। सो ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले को रेटिंग देना चाहूँ 10 में से, यहाँ पर मैं इसे रेटिंग दे सकता हूँ 6.5 की रेटिंग दे सकता हूँ। जो स्पीकर है वो काफी ज्यादा लाउडर और काफी ज्यादा पंची आते हैं, बहुत ही अच्छे स्पीकर देखने मिले। सो अगर स्पीकर को भी हम रेटिंग करने जाए तो 10 में से यहाँ पर इसे मैं ओवरऑल 7 नंबर आराम से दे सकता हूँ। सो यहाँ पर अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ये लैपटॉप कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए चाहिए, तो वहां पर sRGB जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आती है, तो मैंने जितना फाइंड आउट किया था तो 66% की sRGB वैल्यू निकल कर आती है। सो जो कंटेंट क्रिएशन के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। हाँ, अगर आपके पास एक एक्सटर्नल मॉनिटर है जिसके अंदर आपको कलर वगैरह, ग्रेड वगैरह जो है वो आप आराम से उसके अंदर कर सकते हो, सो ये लैपटॉप आपको एडिटिंग के लिए भी काफी अच्छा देखने मिलेगा, कंटेंट क्रिएशन के लिए बेसिकली आपको अच्छा देखने मिलेगा। पर अगर आप डायरेक्ट इस पैनल को यूज करोगे ना, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि sRGB वैल्यू 66% के आसपास है, दैट्स व्हाई यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं। सो यहां पर इस लैपटॉप को जब मैं यूज कर रहा था तो जो चार्जिंग टाइम हमें यहां पर देखने मिलता है, अगर आप इसे 0 से 100% चार्ज करोगे तो 1 आवर 45 मिनट्स 50 मिनट्स के आसपास यहां पर चार्जिंग टाइम को लगता है इस लैपटॉप के अंदर।
और बैकअप की बात करेंगे कितना बैकअप देगा, सो भाई यहाँ पर मैं वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि यहाँ पर सबकी अलग परफॉर्मेंस है, सबका अलग अलग यूज होगा, कोई गेमिंग के लिए कर रहा है, कौन सा गेम कर रहा है, किस मोड के अंदर कर रहा है, सो यहाँ पर मैं उसका एक्सपीरियंस तो आपको नहीं बता पाऊंगा। बट जो वेब ब्राउजिंग वगैरह सब जो मैं कर रहा था, जो मेरा यूट्यूब का नॉर्मल काम होता है इसके अंदर वो सब कर रहा था, सो वो अराउंड 3 से 4 घंटे के आसपास देखने मिल जाता है और गेमिंग थोड़ा सा कम ही आता है। सो यहाँ पर जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो लैपटॉप है अपना Asus A50 टफ, इसी के अंदर से मैं शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है 720 30fps की है, सो क्वालिटी लाइक इतने भी कुछ खास नहीं है, लाइक ठीक है, नाम के लिए वेबकैम दे दिया गया है जिसमें आप वेब कॉलिंग वगैरह, स्काइप कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। पीछे बॉक्सेस वगैरह इग्नोर कर देना क्योंकि जस्ट कुछ घर का सामान आया था इसके लिए। 2 ट्यूबलाइट चालू है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये मेन लाइट तो मैंने बस शूट के टाइम पे अभी बंद कर दिया है, सो छोटा सा आइडिया आ जाएगा। तो ओवरऑल जो वेबकैम की क्वालिटी वो आपको एक बार एवरेज देखने मिलती है, लाइक आप स्काइप कॉल हो गया वो सब चीजें आप यहाँ पर कर पाओगे इजीली। सो डेली यूज के लिए जितने भी आपको पोर्ट्स चाहिए, RJ45 केबल हो गया, इंटरनेट केबल हो गया, बाकी USB वगैरह हो गया, वो सब चीजें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। साइड की तरफ बस आपको एक 2.0 का USB पोर्ट देखने मिल जाता है, बस इतना सब चीजें निकल कर आती है, तो उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। सो यहाँ पर लैपटॉप के अंदर आप कुछ बेंचमार्क टेस्ट देख सकते हो, सिनेबेंच R15 पे मैंने टेस्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइम स्पाय हो गया और भी अलग अलग बेंचमार्क टेस्ट किए हैं, तो उनके स्कोर यहाँ पर आप देख सकते हो। सो ओवरऑल जो बेंचमार्क स्कोर है वो भी यहाँ पर अच्छे निकल कर आते हैं और यहाँ पर जो SSD और हार्ड ड्राइव की जो स्टोरेज की जो स्पीड्स है वो भी यहाँ पर आपको बेटर देखने मिलती है। सो इन चीजों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और गूगल क्रोम पे जब मैं इसे यूज कर रहा था, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर 25+ टैब्स मैंने ओपन कर दिए थे अलग अलग वेबसाइट वगैरह, और वहां पर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, आराम से चल रहा था। सो अगर आप वीडियो एडिटर हो, अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छी मशीन चाहिए, पावरफुल मशीन चाहिए 60,000 रुपीज के अंदर, तो यहाँ पर इस लैपटॉप के अंदर मैंने 4K की एडिटिंग की थी जिसके अंदर मैंने कलर ग्रेड भी किया और उसके बाद में 4K की टाइमलाइन पर रेंडर करके भी देख रहा था, प्ले करके देख रहा था, तो वहां पर भी लैग वगैरह नहीं हो रहा था। सम टाइम एक आध दो बार कभी हल्का फुल्का लैग हुआ, बट 4K की एडिटिंग आप कर सकते हो इसके अंदर आराम से। कभी कभार एक दो अगर आपको जिटर देखने मिले तो आपको जो क्वालिटी वो हाफ कर लो, तो वहां पर आप आराम से 4K की एडिटिंग लेकर जा सकते हो। सो बेसिकली यहां पर 1080p 60fps की जो एडिटिंग है वो भी इसके अंदर आप आराम से कर सकते हो। और उसी के बाद में अगर हम बात करें एक्सपोर्ट टाइम की, तो यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि कितना टाइम लगा और कितने ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट था, बिटरेट वगैरह जो थी वो सब आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अंदर आपको 3 परफॉर्मेंस मोड देखने मिल जाता है आर्मरी क्रेट के अंदर, एक साइलेंट है, परफॉर्मेंस और टर्बो है। अब टर्बो मोड ऑन रखने से होता क्या, आगे आपको बेटर कूलिंग तो देखने मिलेगी और CPU से भी ज्यादा पावर देखने मिलेगा, वो लाइक फैन एकदम ही ज्यादा स्पीड में चलाने लगेगा जिसकी वजह से कूलर GPU CPU को ठंडा रखने की कोशिश करेगा। तो अब उसके अंदर लेकिन होता क्या है कि फैन की आवाज है ना वो इतनी ज्यादा आने लगती है ना, आपके बाजू में अगर कोई दूसरा बंदा बैठा होगा ना वो बोलेगा भाई तेरा लैपटॉप अभी जस्ट उड़ने ही वाला है, मतलब हवा में फ्लोट होने वाला है, लाइक हेलीकॉप्टर की जैसी आवाज आती है ना, लिटरली इसके अंदर उस तरीके की आवाज आ रही थी। सो बेसिकली यहाँ पर जो गेमिंग कीज है आपकी WASD वहां पर और बाकी स्पेस हो गया और बाकी और जो कीबोर्ड वाला एरिया है वो हीट नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हीट होता है और थोड़ा सा सेंटर की तरफ हीट मारता है, पर अगर आप गेमिंग कर रहे हो तभी जाके ये हीट आपको मिलेगी। सो यहाँ पर आपको मैं एक और रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि अगर आप इस लैपटॉप में गेमिंग कर रहे हो तो टर्बो मोड ऑन कर लो और साथ में जो चार्जर मिलता है वो लगा के करना, वरना आपके FPS जो है ना आपको ड्रॉप मिलेंगे और कम मिलेंगे। तो जब गेमिंग करोगे इसी लैपटॉप में नहीं और बाकी जो भी लैपटॉप आते हैं उसके अंदर आप पावर लगाओ फिर उसके बाद गेमिंग करो, तो आपको मच बेटर रिजल्ट देखने मिलेंगे। सो फ्रंट की तरफ आपको ग्रिल देखने मिल जाती है जिसके अंदर से जो हवा है बाहर की वो अंदर तक जाएगी और अंदर वाले लाइक CPU और जो भी है वहां पर उसको ठंडा रखने की कोशिश करेगा। पीछे की तरफ एयर वेंट्स मिलते हैं तो वहां से वो हवा बाहर फेंकेगा, गर्म हवा बाहर फेंकेगा, और जब आप टर्बो पे रखोगे तो काफी ज्यादा आपको गर्म हवा दिखने मिलेगी। बेसिकली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैपटॉप किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर और साथ में इस लैपटॉप के अंदर साइड की तरफ कोई भी वेंट्स वगैरह नहीं आते हैं, तो अगर साइड में आता तो ज्यादा बेटर होता, ज्यादा अच्छी कूलिंग होती थी। सो यहाँ पर जो मेरे यूज के हिसाब से जो टेम्परेचर है CPU का वो लाइक उतना भी ज्यादा नहीं गया, वो कभी कभार लाइक एक दो बार 90 पे टच हो गया, पर जो AMD के Ryzen के जो प्रोसेसर है ना वो 90 डिग्री आराम से चला लेते हैं। अगर वहीं कोई Intel का कोई प्रोसेसर निकल कर आ जाएगा ना तो 90 डिग्री पे वो थ्रॉटल करने लगेगा, जिसकी वजह से जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा आपके गेम FPS है ना वो ड्रॉप करेगा। और लेकिन यहाँ पर वो चीज देखने नहीं मिली मुझे। कुछ ऐसे मल्टीपल गेम्स खेले हैं, CSGO हो गया, Battlefield 5 हो गया,
और भी मल्टीपल गेम्स खेले जो आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा गेम प्ले आप देख पाओगे। और मैंने उनका एक अलग से थोड़ा सा ज्यादा गेम प्ले रखा है, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो एपेक्स लीजेंड ऐसा गेम था जो मैंने शूट किया था, बट वो वीडियो जो है वो एरर मतलब भाई गायब हो गया, पता नहीं वो उसमें कुछ करप्ट हो गई फाइल। बट वहां पर मैं आपको बताऊं तो लो के अंदर ऑलमोस्ट 125 FPS देखने मिल रहे थे और मीडियम के अंदर आपको 95 FPS से 100 FPS के आसपास देखने मिल जाते हैं एंड अल्ट्रा के अंदर आपको 70 FPS देखने मिल जाते हैं। अब गेमिंग के अंदर फायदा यह होगा कि रियल टाइम में जो FPS आपका है उस हिसाब से परफॉर्मेंस है। लाइक एक 60 हर्ट्ज के पैनल के डिस्प्ले को देखो और एक 144 हर्ट्ज के पैनल पर डिस्प्ले को गेमिंग करते हुए देखो, भाई 144 हर्ट्ज वाला इतना ज्यादा स्मूथ और इतने ज्यादा अच्छा स्मूथनेस से भरा हुआ मिलेगा, तो जिसमें आपको गेम प्ले भी काफी अच्छा मिलेगा। FPS वगैरह करते हो तो वहां पर भी आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देखने मिलेंगे। सो यहां पर अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग थी तो इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, एडिटिंग थी तो भी जा सकते हो, और साउंड भी प्रायोरिटी है तो भी जा सकते हो। डिस्प्ले में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सैचुरेशन जो बातें मैं कर रहा हूँ वो थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने मिलती है, नीट्स की वैल्यू थोड़ी सी कम आती है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लैपटॉप को रिव्यू किया है इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ लोग ये बात ध्यान भी नहीं दे पाएंगे कि भाई लैपटॉप के अंदर ब्राइटनेस की कमी है या फिर नीट्स की कमी है। अगर आप फर्स्ट टाइम को एक अच्छा सा लैपटॉप देखने जा रहे हैं तो वहां पर इतना चीज आपको नहीं पता चलेगी। सो एंड ऑफ द डे लैपटॉप के अंदर जो मुझे खामियां नजर आई, जो डिस्प्ले की मैंने बात करी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्लास्टिक की बॉडी देखने मिलती है, बस यही यहाँ पर चीजें जो मुझे दिखी वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ कॉन्स है, बट प्रोज भरे पड़े हैं। सो वीडियो के एंड में इस लैपटॉप को मैं आपको बिना किसी सोचे समझे आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको ये लैपटॉप अमेजोन पर कहीं भी मिल रहा है ना भाई, और अगर आपका प्राइस ब्रैकेट था 60,000 rupees, सो आप इस लैपटॉप की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। सो अगर आपको इस लैपटॉप को परचेस करना है तो इस लैपटॉप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको ये भी कहूँगा कि थोड़ा बहुत प्राइसिंग में ऊपर नीचे आ सकता है, क्योंकि लाइक जो मेरे पास जो वेरिएंट है 256 GB वाला जो स्टोरेज वेरिएंट है, NVIDIA JDS 1650 Ti वाला वेरिएंट है, इसका आपको हायर वेरिएंट भी मिलेंगे। उन सभी लैपटॉप के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाके उन्हें परचेस कर सकते हो। और होप सो गाइस यहां पर मेरा ये Asus A15 का लैपटॉप का रिव्यू आप लोगों को पसंद आया। पिछले 20 दिनों से मैं इसे यूज कर रहा था और जो भी चीजें मुझे लगी वो सारी चीजें मैंने यहां पर आपको बता दी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो का जो लाइक का टारगेट है उसे डेफिनेटली कंप्लीट कर देना, ताकि आपको और भी फ्यूचर में इसी तरीके के कंटेंट देखने मिलते रहे टेकी पाठशाला यूट्यूब चैनल से। बाकी हम लोग मिलेंगे आगे और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों आज की इस टेकी पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।